नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पावर स्टडी चैनल की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को बताऊंगा भाई, मैं अगर आप लोग त्योहार के टाइम पे, नवरात्रे हैं, दिवाली है, धनतेरस है, लोग ज्यादातर ऑटोमोबाइल या स्मार्टफोन वगैरह खरीदते हैं, तो अगर आप कार वगैरह लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार जान लो दोस्तों कि आपको किस तरीके से बचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैक्सिमम फाइनेंस ही कराते हैं। इसमें दो तीन कंडीशन होते हैं। देखो, अगर आपका बैंक आपको कोई ऑफर दे रहा है लेने का कार, तो आपको ठीक ठाक है, उनसे कैलकुलेट कीजिए ब्याज वगैरह। लेकिन अगर आप डायरेक्ट शोरूम पे जा रहे हो तो भाई थोड़ा संभल के, क्योंकि उनसे जो रेट लेने के बाद में वो क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्योंकि जो वो रेट देते हैं ना आप लोगों को, वो कैलकुलेशन में मत फंसो। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन पकड़ो आप कि आप डाउन पेमेंट कितनी दे रहे हो और वो कितने महीने बता रहा है। हालांकि वो घपला इसमें भी कर देते हैं, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि भाई 50 महीने की किस्तें कटेंगे तो 55 की, 60 की बोलेंगे तो 65 तक की भी किस्तें कट जाती हैं। क्योंकि भाई देखो, वो आपको सच नहीं बताएंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो 5 किस्तें कम बताएंगे तो आप 5 किस्तों का पैसा कम जोड़ोगे, वो आपको कैलकुलेशन में आएगा कि आपके पैसे कम कट रहे हैं। तो इन चीजों के लिए आपको लेटर, प्रॉपर जो अप्रूवल लेटर आता है उसके अंदर देखना होगा कि भाई कितने महीने की किस्तें आपको कटेंगी, तो ये जानने का आपका अधिकार है। बाकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको, देखो जितनी आप डाउन पेमेंट कर रहे हो और जितनी आपने टोटल किस्तें भरी हैं, तो उसमें आप अंदाजा लगा लो गाड़ी की वैल्यू कितनी है टोटल, तो आप कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो तब आपको पता लगेगा। हालांकि सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कि आपका बैंक आपको ऑफर करे, या फिर आप अपने बैंक से डीडी वगैरह बनवा करके उन्हें ले जाकर दो, अपने बैंक से फाइनल कराओ। अगर आपके बैंक का ही कोई बंदा बैठा तब भी वो आपको नुकसान दे सकता है अगर आप अपने बैंक से नहीं करवाओ। क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सिंपल सा है कि भाई सारे बैंक डीलर्स को पैसे देते हैं कारों को स्टॉक भरने के लिए। अब डीलर क्या करता है, डीलर उन पैसों को कैसे काटता है, डीलर उनको कटौती करते रहता है डीसी करके, डीलर चार्ज करके। तो हर फाइनेंसर फाइनेंस के टाइम पे डीसी जोड़ता है, ऑटोमोबाइल में भी जुड़ती है भाई, 2000 रुपए, 5500 रुपए, 1500 रुपए, जैसे कटता है वैसे काट देते हैं लोगों को। हर फाइनेंसर को हर फाइल के ऊपर डीसी देनी पड़ती है, तो डीलर चार्ज ही हो गया। यकीन नहीं मानोगे आप, टू व्हीलर के अंदर अगर कोई बंदा एक बाइक भी ले रहा है ना, तो भी वो 10-10 हजार रुपए की टोपी पहना देते हैं फाइनेंसर, और धनतेरस वाले दिन तो भाई साहब अंधी कमाई करके जाते हैं। प्रॉब्लम किसी को कमाई से नहीं है, किसी की कमाओ, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, तुम्हारी मेहनत है भाई। लेकिन लोगों को उल्लू बनाकर, झूठ बोलकर, लूट कर जो कमाया हुआ पैसा कब तक तुम्हारे साथ रहेगा, ये तुम ही जानते होंगे या तो तुम्हारा भगवान जानता होगा भाई। बात करते हैं लोगों को कैसे बचना है। जैसे मैंने तरीके बताए कि डाउन पेमेंट कैलकुलेट करो पहले अपनी कितनी कर रहे हो, उसके बाद में उसे ऐड कर लो अपनी टोटल किस्तें कितनी भर रहे हो, तो और टोटल गाड़ी कितनी की उसमें से लेस कर दो, जितना एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है वो पेमेंट को ध्यान दो कि भाई इतना एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा हूँ मैं, चाहे 60 महीने में दूं चाहे 75 महीने में दूं। और महीने भी जोड़ो कि भाई फलाना बैंक तो 75 महीने में इतना एक्स्ट्रा दे रहा है और ये वाला फाइनेंसर मुझे 60 महीने में इतना एक्स्ट्रा दे रहा है, तो ये कंपेरिजन करो। और जो मेरा खुद का बैंक है वो इतने महीने में इतना एक्स्ट्रा दे रहा है, तो टोटल पैसा तो एक्स्ट्रा जाएगा ही जाएगा। कोई 0% नहीं होता भाई, कुछ 0% नहीं होता। ना डाउन पेमेंट 0% है तो इंटरेस्ट ठोक देगा, 0% इंटरेस्ट है तो फाइल चार्ज में ठोक देगा आपको, और दोनों चीजों में ठोक ठाक के आपको ठोक देगा ढंग से। तो बचने के लिए, क्योंकि भाई अगर फाइनेंसर के पास बैठोगे ना, किसी भी फाइनेंसर के पास, उनके वो ट्रेनिंग दी जाती है, पता नहीं सच बोलने की या झूठ बोलने की, भाई तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे कैलकुलेशन करा करा के, और तुम भी बोलोगे हाँ भैया हाँ, उन्हें बोला इंटरेस्ट ये वो 4% इंटरेस्ट को ही वो गिनवा दें, 18% इंटरेस्ट लगाएंगे और उसको जब कैलकुलेशन करवाओगे ना, तुम्हें 8% पे कैलकुलेट करके दे देंगे वो, तुम्हें फाइल चार्ज के नाम पे, डीलर चार्ज के नाम पे, ये सब जोड़ जाड़ के तुम्हें पकड़ा देंगे। तुम क्या कर लोगे सर जी, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इन चीज़ों से बचो और कैलकुलेशन और सेफ्टी से ध्यान रखो, क्योंकि भाई इतनी बड़ी कंपनियों को बंद नहीं करा सकते तुम, क्योंकि फाइनेंस तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी जरूरत है, उनको भी जरूरत है ब्याज खाने के लिए, लेकिन क्या करें। और फाइनेंसर अगर फिर भी हो जाए ऐसा, तो अगर आपकी किस्तें कटती हैं, मतलब 60 महीने बोला 65 महीने कट रही हैं, तो भैया ऐसे कंडीशन में आपको सीधा फाइनेंसर पे केस करना है, फाइनेंसर पे करना है जो करना है एक्शन, क्योंकि फाइनेंसर अपने इंसेंटिव के लिए, अपनी तनख्वाह को मजबूत करने के लिए आपसे झूठ बोलकर आपको 65 का अप्रूवल लेने के बाद आपसे 5 महीने कम कैलकुलेट करवा रहा, ताकि उसका ब्याज आपको कम लगे। तो ये गलती फाइनेंसर की है, क्योंकि भाई जंग में हथियार का ना पता होना ये फौजी की गलती हो सकती है, क्योंकि भैया जो ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो हथियार जो उसके हाथ में है उसकी पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए। तो बस दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई सवाल है कोई कमेंट बॉक्स में कर सकते हो आप, किसी को अगर कोई खरीदा है तो शेयर कर सकते हो वीडियो को। बस इतना ही है इस वीडियो में।